वाला सफ़र जो गार्ड वाला डब्बा है उसके अंदर जा रही है। ट्रैवल की जो खासियत है वो है सेवन सिस्टर्स टनल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपका दोस्त फहीम मलिक अटक सिटी जंक्शन पे मौजूद है और आज हम ट्रैवल करने लगे हैं अटक सिटी जंक्शन से जंड जंक्शन तक। टर्मिनल स्टेशन है ये ML2 का और ML1 भी यहाँ से गुज़र रही है, तो दोनों रेलवे लाइन यहाँ पे गुज़र रही है। यहाँ से हमारा जो आज का जो जर्नी है वो जारी रहेगा ML2 के ऊपर। तो ML2 जो है वो अटक सिटी जंक्शन से स्टार्ट हो रही है और कोटरी तक जा रही है। तो टोटल जो ट्रैवल टाइम है हमारा आज इस पैसेंजर ट्रेन का वो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का है। 11 बजे ये निकलेगी सुबह अटक सिटी जंक्शन से और तकरीबन 12:20 पर ये पहुँचेगी जंड जंक्शन। तो इस जर्नी की जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि एक तो एक घाट सेक्शन है और बहुत ही लश ग्रीन एरिया है, उसके अलावा तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का जो स्पैन है उसके अंदर 7 टनल्स आती हैं जिसको 7 सिस्टर टनल्स भी कहते हैं। तो वो टनल्स भी आपको दिखाएंगे, सफ़र भी दिखाएंगे, तो उम्मीद है आप महसूस होंगे इससे। लोकोमोटिव GMCU 4922 अटैच होने के लिए आ रहा है। ₹1500 का EMD लोकोमोटिव, 1975-76 में इंपोर्ट हुए थे ये USA से और अभी तक अपना मिशन जो है वो पाकिस्तान में जारी रखे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत मौसम है आज, सुबह बारिश हुई है जब मैं इस्लामाबाद से निकला हूँ अटक के लिए, तो अभी भी घने जो बादल हैं वो आए हुए हैं, ग्रे और वाइट कलर के आपको नज़र आ रहे हैं। तो होपफुली हमारा जो जर्नी है बहुत अच्छा होने वाला है। अभी आपको अटैचमेंट दिखाते हैं। पैसेंजर डिपार्ट कर रही है अटक सिटी जंक्शन से और मैं खड़ा हुआ हूँ ब्रेक वैन के अंदर आखिरी वाले डब्बे में।
से मैं आपको बता दूं कि जिस ट्रैक पे हमारी ट्रेन जा रही है ये ML2 है, और ये लेफ़्ट साइड पे जो आपको ट्रैक नज़र आ रहा है ये ML1 का है। तो यहाँ से हम राइट जो है वो टर्न कर जाएंगे ML2 के ऊपर। बेसिकली अटक सिटी जंक्शन जो है, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि टर्मिनस स्टेशन है ML2 का, और यहाँ से रेलवे लाइन स्टार्ट होती है ML2 और कोटरी जंक्शन तक जाती है। तो लेफ़्ट पे चली गई ML1 पेशावर की तरफ, और हम राइट पे टर्न कर गए अटक से ML2 के ऊपर जंट जंक्शन की तरफ। सामने जो आपको ट्रैक नज़र आ रहा है ये बाईपास है ML1 का ML2 के ऊपर। पहला स्टेशन जो है कंजोर रेलवे स्टेशन है, उस पर स्टॉप हुआ है जंट पैसेंजर। स्टार्टिंग फ्रॉम कंजोर रेलवे स्टेशन, पहले स्टॉप के बाद जंट पैसेंजर जो है वो निकल रही है अपनी मंजिल की तरफ। नंदराम ब्रिज था ये, पहली जो टनल है वो आने वाली है और उसका मैं वेट कर रहा हूँ। तो आपको दिखाते हैं फर्स्ट टनल जो है ML2 के ऊपर।
1996 की बनी हुई है टनल। क्या जबरदस्त लोकेशन है यार। शकरदरा ब्रिज था ये पहली टनल के बाद। स्लीप सफारी की एक्टिविटी देखी होगी, वो सारी इसी एरिया में जो है वो एक्टिविटी की गई थी नवंबर सन 2019 में। टनल का ट्रैवल देख रहे हैं आप। 1897 में बनाई गई थी दूसरी टनल और जॉइंट पैसेंजर में हमारा जो सफर है वो जारी है। ये थर्ड टनल थी 1896 की बनी हुई है। अभी चौथी सुरंग जो है वो आ रही है आगे। ये भी 1896 में कंप्लीट हुई हुई है टनल। 5 सुरंगें गुजर चुकी हैं और 2 सुरंग जो हैं वो रह गई हैं। अभी आप ट्रैवल देख रहे हैं जॉइंट पैसेंजर का और इस ट्रैवल की जो खासियत है वो है 7 सिस्टर्स टनल।
बड़ी खूबसूरत लोकेशन है ये, बादल आए हुए हैं, बड़े ज़बरदस्त मौसम हुआ है। छह सुरंगें गुजर गई हैं और ये सातवीं। मशहूर हैं और कहते हैं कि गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम है। मैंने वैसे देखा नहीं है, आज कोशिश करूंगा कि जाके मैं देखूं कि वाकई इसका नाम है गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में या नहीं। सेवन टनल्स जो हैं वो क्रॉस करने के बाद जलार रेलवे स्टेशन के ऊपर स्टॉप किया है जंट पैसेंजर ने, तो यहाँ से डिपार्ट करेगी और इससे अगला जो स्टेशन है वो GMCU का हॉर्न आपने सुना है, डिपार्ट कर रहे हैं हम यहाँ से और नेक्स्ट स्टेशन जो है वो सुलेमानाबाद का होगा। लश ग्रीन माउंटेनियस रेंज है ये घाट सेक्शन। ML2 के ऊपर हम सफ़र कर रहे हैं और हिडन ब्यूटी है ये, बहुत कम लोगों को पता है इस सेक्शन के बारे में और ट्रैवल किया हुआ उन्होंने। इस एरिया में जो स्पीड है वो तकरीबन 50 किलोमीटर फी घंटा है। हार्ड सेक्शन भी है और ट्रैक कंडीशन भी उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर पर आवर के ऊपर हम जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। सुलेमानाबाद रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुंच गए हम, तीसरा स्टॉप है ये। ST साहब आई थिंक मुंह धोने के लिए गए हैं नलके के ऊपर। काफ़ी पैसेंजर यहाँ पे उतरे हैं, छोटा सा सेक्शन है ये, तकरीबन 66 किलोमीटर इसकी लेंथ है अटक सिटी जंक्शन से जंट जंक्शन तक, पर काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए इसको और ज़्यादा फास्टली जो है वो इसके ऊपर काम करें और ट्रैक अगर अच्छा हो जाए तो और जल्दी लोग इस पर सफ़र करेंगे।
है उसकी हॉल नज़र आ रही है। लोकल एरिया के लिए बनाया हुआ है ये बसाल डैम। तो यहाँ से जो ब्रांच लाइन है गोलड़ा शरीफ से बसाल जंक्शन जो आगे मिलती है वो अटैच हो गई है यहाँ पे आगे ML2 के साथ, जिसके ऊपर महर एक्सप्रेस रावलपिंडी से ट्रैवल करती हुई आती है। तो अभी हम अप्रोच कर रहे हैं बसाल जंक्शन के ऊपर। काफ़ी पैसेंजर जो हैं यहाँ पे उतर रहे हैं और ये मेरी कोच है जिसके ऊपर मैं आज ट्रैवल कर रहा हूँ। टू ज़ीरो फोर डाउन जंट पैसेंजर जो है वो डिपार्ट कर रही है बसाल जंक्शन से और नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम पहुंचेंगे जंट जंक्शन पे। तो जंट जंक्शन तक हमारा जो सफ़र है वो जारी है। दुमेल स्टेशन के ऊपर अप्रोच किया है हमारी ट्रेन 204 डाउन जंट पैसेंजर ने। बहुत ही पॉपुलर ट्रेन है इस एरिया की। इसी ट्रेन पे मैं वापस आऊँगा तो कोशिश करूँगा वापसी पे भी कुछ शॉट जो है वो कैप्चर करूँ। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़।
अभी अच्छी खासी सवारियां जो हैं वो उतरी हैं, बाहर ऑटोज़ वगैरह खड़े हुए हैं पिक करने के लिए, और GMCU डिपार्ट कर रहा है दुमेल रेलवे स्टेशन से। नमल स्टेशन के ऊपर आके रुकी है 204 जंट पैसेंजर, बड़ा ज़बरदस्त ट्रैवल जो है वो जा रही है गार्ड वैन के अंदर। कोयल बोलने की आवाज़ भी आ रही है इधर। नेशल विसल हो गई है, बहुत ही खूबसूरत स्टेशन नमल ML2 के ऊपर। कैसे लोग गाड़ियां खड़ी हुई हैं उनको पिक करने के लिए, छोटे इलाके में लोग लेके आते हैं दूर से अपनी गाड़ी और अपने रिलेटिव और रिश्तेदारों को, दोस्तों अहबाब को ले जाते हैं पिक करके रेलवे स्टेशन से। उस पाइप बार के ऊपर है ये, और ये गार्ड साहब की इमरजेंसी जो ब्रेक होती है वो लगी हुई है, और साथ ही कैश वॉलेट भी पड़ा हुआ है पाकिस्तान रेलवे का, सील्ड है। तो अभी आज हमारा सफर जो गार्ड वाला डब्बा है उसके अंदर जा रही है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, एक डिफरेंट टाइप की वीडियो बनाने की कोशिश की है मैंने आज।
लंगर रेलवे स्टेशन के ऊपर स्टॉप हुआ है और डेस्टिनेशन जो है हमारी अब करीब ही है। जंड तक हम इस पर ट्रैवल कर रहे हैं और वापस ये ट्रेन जब आएगी तो वापस बीसी पे मैं वापस आऊँगा। आई थिंक 20 से 25 मिनट का इसका वहाँ पे स्टॉप होता है और वहाँ से फिर ये वापस अटक सिटी आएगी। पैसेंजर का सफ़र जारी है अटक से लेके जंड जंक्शन तक और इंशाल्लाह थोड़ी देर में मेरी ट्रेन जो है वहाँ पहुँच जाएगी। मैंने अपना पूरा सफ़र गार्ड वैन के अंदर किया है क्योंकि ये आखिरी कोच थी और मुझे आपको आखिरी कोच से जो मनाजर थे वो दिखाने थे। जंड जंक्शन के ऊपर अप्रोच कर रही है 204 डाउन जंड पैसेंजर। आपने सेवन सिस्टर ट्रैवल देखा है अटक सिटी जंक्शन से जंड रेलवे स्टेशन तक। बहुत ही साफ़ सुथरा प्लेटफार्म, छोटा सा जंक्शन है ये। यहाँ से एक रेलवे लाइन कुंदियाँ और मुल्तान कोटद्दू की तरफ निकल जाती है ML2 और एक ब्रांच लाइन यहाँ से कोहाट की तरफ निकल जाएगी। गाइस होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ शेयर करें हमारी इस वीडियो को और लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। आप सबके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया जी।